हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। बोलोगे या नहीं बोलोगे ये बताओ। सर बोलेंगे। देखिएगा, निफ्टी के अंदर बेशक से मजबूती थी जो कि खत्म हो गई शाम होते होते। बैंक निफ्टी में वीकनेस थी, चर्चा करेंगे। ब्रॉडर मार्केट आज काफ़ी मजबूत थी। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो काफ़ी मजबूत थी। बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने के लिए मिला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जान नहीं थी और स्मॉल और मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी जान थी और मार्केट ब्रेड्थ भी काफ़ी फेवरेबल थी। अब मार्केट में आज की वीडियो से संबंधित जो टॉपिक देना था, जो शीर्षक देना था, उस टॉपिक का या शीर्षक के लिए हमने क्या चूज़ किया है? आज का हमने टॉपिक रखा है, डाओ बिक जाता तो माल कहाँ बेचते। डाओ बिक जाता तो माल कहाँ बेचते। तो ध्यान रखिएगा, कल जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्पेशली बात करें तो नेस्डेक में काफ़ी अच्छी गिरावट थी, S&P 500 में अच्छी गिरावट थी, लेकिन डाउ जोन्स में नहीं थी। यानी कि अगर सारे ब्रॉडर मार्केट के अंदर कल वीकनेस हो जाती US के अंदर, तो आप ये समझिएगा कि अगर डाउ भी माइनस होता तो नेस्डेक और S&P में बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिंग होती और सुबह उठते के साथ इंडिया में बहुत अच्छी सेलिंग होती। इंडिया ने और एशिया ने बाजार आज संभाला। सुबह ओपनिंग बहुत अच्छी हुई। आज ओपनिंग जहाँ पर बाजार ओपन हुए वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाए ज़्यादा देर। तो आज सबसे खास बात ये रही कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ गई और सेलिंग आई बैंकिंग स्टॉक से। और बैंकिंग स्टॉक में भी मैंने जो कल आपके साथ चर्चा की थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं, आज HDFC और कोटक बैंक नहीं बिका है, कल इनकी बारी है, तो आज इनकी बारी आ गई। और कल अगर उनको बेच देते ना तो बैंक निफ्टी में एकदम सेलिंग प्रेशर आया था और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते कल ही, तो उनको मौका नहीं दिया और ये उम्मीद लगाए रखी कि बाउंस बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन बाउंस बैक की उम्मीद अभी 2 दिन और नहीं है। और मैंने कल आपके साथ बात की थी कि आज न्यूट्रल टू बाउंस बैक ट्रेड होगा, तो बाउंस बैक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी माइनस में चला गया। और सबसे खास बात जो मैंने कल आपके साथ की थी कि DIIs ने जो है अपनी सेलिंग कम कर दी और FIIs ने अपनी सेलिंग बढ़ा दी है, तो FIIs के सेलिंग के बड़े फिगर कल आपको देखने के लिए मिले और आज उससे भी बड़े फिगर देखने के लिए मिले। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 2 दिन के अंदर और वीकनेस हो सकती है इंडेक्स के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने शायद जो पोजीशंस हैं वो मंदी की बना रखी है। और ये चर्चा मैंने आपके साथ करीबन आज से 10-15 दिन पहले भी एक वीडियो के माध्यम से कही थी और मैंने कहा था कि जो लास्ट वीक होगा उसमें सेलिंग होगी और आप देखिएगा इस वीक के अंदर अच्छी सेलिंग जो है अभी तक हमें देखने के लिए मिली है और सेलिंग बड़े प्यार से की जा रही है, आराम आराम से, लेकिन उठने नहीं दिया जा रहा। और उठने इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जो FIIs या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके शेयर्स जो है अब उनके कंट्रोल में है, पहले भी उनके कंट्रोल में थे कुछ समय के लिए, जब बजट पेश किया गया उसके बाद मिस्टर इंडिया के कंट्रोल में वो शेयर्स आ गए थे, जिसके बाद जो है FIIs भी शायद फंसते हुए नजर आए। जनरली उनकी शॉर्ट पोजीशन थी, उन्होंने अपने शॉर्ट कवर किए, बोले चलो हम भी आपके साथ बाय करते हैं और बाय करके ऊपर माल ऑफलोड करना शुरू किया। तो जिन भी लोगों ने ऊपर माल खरीदे तो वो आप देखिएगा अभी बात करते 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 हम चर्चा कर रहे हैं, कोई मेजर गिरावट नहीं हुई है, लेकिन मेजर गिरावट ना होने के बावजूद भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो करीबन 2700-2800 पॉइंट अपने हाई से नीचे आ चुका है। यानी कि अगर आप बात करें तो 7-8% की करेक्शन हो चुकी है। हालांकि निफ्टी में इतनी करेक्शन नहीं है, 15431 से 14707 है, तो ये करीबन 5% के आसपास है, तो ये वीकनेस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आज का अगर हम पूरा ट्रेड देखें तो जो है FIIs ने शायद पूरी तैयारी कर रखी थी और उस तैयारी के हिसाब से आज जो है मार्केट को चलाया। अब अगले जो 2 दिन है,
वो भी मुझे मंदे लग रहे हैं, और अगले 2 दिन के अंदर FIIs की एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर FIIs सेलिंग करने आएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमारे DIIs बाई करेंगे। आज उन्होंने बाई भी किया DIIs ने, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की, नहीं तो जो है सेलिंग और भी सीवियर हो सकती थी। लेकिन FIIs देखिएगा उन्ने पुने दाम पे माल नहीं बेचते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पर माल बेच दिया है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जब ट्रेड का एनालिसिस करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके के सौदे उन्होंने अगले 2 दिन के अंदर जो है बनाए हुए हैं, और वो किस तरीके से वो पोजिशंस को रोल ओवर या जो है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर आज निफ्टी कहाँ था ये चर्चा अब हम आपके साथ करते हैं। निफ्टी 14707 पर क्लोज हुआ, आज लो लगाया 14651, हाई देखिएगा 14854, लेकिन हाई लेवल के ऊपर बाजार को टिकने नहीं दिया गया। ये देखिएगा आज का चार्ट है, और आज के चार्ट में एक बात क्लियर है कि बाजार को ऊपर टिकने ही नहीं दिया गया। ये थोड़ी देर टिकने की कोशिश की और फिर देखिएगा 12 बजते के साथ इसको उतार दिया, और मार्केट के भी 12 बज गए, और ये देखिएगा ये इस दायरे के अंदर ये ऊपर का जो पूरा जो पोर्शन था इसको वाइप आउट कर दिया सुबह। हालांकि मार्केट खुल के नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद बाउंस दिया था, लेकिन बाउंस जो है सस्टेन नहीं कर पाया। ये कैंडल कैंडल आपको ज़्यादा वीक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट खुली कहाँ थी ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट ओपन हुई थी 14782 पे, और मार्केट बंद हुई है 14707 पे, तो कैंडल आपको छोटी बनी उठती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बड़ी बड़ी कैंडल के बाद एक फॉलो अप जो है आपको मिल गया है यहाँ पे। अब जो गैप मार्केट में बचे हुए थे ये वाले गैप, तो इन गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक 14400 भी दिखा सकती है, अगर इंटरनेशनली कुछ बड़ा इवेंट ना हो जाए पॉजिटिव फ्रंट पे। तो अब हमें लगता है कि 14400 की तैयारी हमें करनी चाहिए, और 14400 थर्सडे तक शायद मार्केट लगा दे। नीचे की तरफ के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा खुले हुए हैं बजाय के लॉन्ग साइड के। इंडेक्स के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आज मार्केट कहाँ से संभली हुई थी, टाटा मोटर्स, रिलायंस देखिएगा अपना O2C बिजनेस यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस को जो है डीमर्ज करके एक नई कंपनी बना सकता है, तो वहाँ पर जो है रिलायंस की आज पॉजिटिव न्यूज़ थी, ये मार्केट ने पॉजिटिव लिया। ICICI बैंक थोड़ा सा सांस ले रहा था आज, FIIs कह रहे थे ले लो सांस, हमने बहुत माल इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि जब वो बेचने पर आएंगे ना, जब मुझे सबसे बड़े डर यही है कि इनके पास माल इतना है कि हम खरीद ही नहीं पाएंगे। अगर नीचे के एक लेवल पर माल आएगा ना, ये इतना ऊपर से ऑफलोड करेंगे अगले 2 दिन में, ये इनका गेम केवल 2 दिन का, ध्यान रखिएगा उसके बाद ये हो सकता है नई पारी खेलें। तो इन्होंने ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की है। L&T देखिएगा 5 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, टाटा स्टील 4.4, HDFC बैंक ने 10% के आसपास की गिरावट दी, फिर बैंक देखिएगा HDFC कोटक बैंक, ये कल दो जो है सितारे थे मार्केट के, इन दोनों को आज लपेट दिया। HDFC बैंक 4.93, अदानी पोर्ट 2.81, और मारुति सुजुकी 1.85। अब हालांकि निफ्टी पॉजिटिव बंद हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये दोनों फाइनेंशियल्स में वीकनेस थी, बजाज फाइनेंस भी वीक था। अभी जो FIIs के जो शेयर्स हैं वो शायद इतने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए उन्होंने कि अगले 2 दिन जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या जब वो ऑफलोड करेंगे तो जो बाकी लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रेट पे माल मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो खरीदने के भाव है, मतलब ऊपर के प्राइस से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिएगा आज डेक्लाइन वाले शेयर 674 थे और एडवांस 1041 थे, तो मार्केट ब्रेड्थ जो है वो काफ़ी समय के बाद इतनी अच्छी जो है देखने के लिए मिली। बैंक निफ्टी में देखिएगा 35680 से आज 35000 भी तोड़ दिया नीचे, और 35000 तोड़ा हालांकि सेकेंडों के लिए, लेकिन बड़े प्लेयर चेक करके आ गए नीचे की बाइंग है कितनी। और फिर देखिएगा 35100 के आसपास, 35000 के आसपास खूब घुमाते रहे, 35100 की सपोर्ट थी उस सपोर्ट पे ही बंद कराया है। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि एक बाउंस सुबह बने, लेकिन बाद में अल्टीमेटली नीचे ही मार्केट आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके के सौदे बने हुए हैं और मार्केट एक बहुत अच्छी रैली कर भी चुकी है, तो इसी के अंदर देखिएगा तेजी के अंदर मंदी ढूंढने वाले जो हैं वो शेयर बाजार में बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं, तो अभी उन खिलाड़ियों के हाथ में ही मार्केट, और उन्होंने तेजी के अंदर मंदी ढूंढ ली और पोजीशन इस तरीके से फंसा दी है। तो अभी देखिएगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसकी पोजीशंस जो हैं वो जो भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनकी फंसा दी है लॉन्ग साइड वाली, और जब तक रिटेलर शॉर्ट था तो उसको सांस नहीं लेने दिया। और जब मैंने लास्ट मंडे को आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिएगा अब ये शॉर्ट्स कवर हो गए हैं,
तो अब देखिएगा मार्केट उतरनी शुरू हो जाएगी, उसके अगले दिन ही मार्केट उतरनी शुरू हो गई। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा आपके सामने 6 कैंडल हैं रेड, तो ये जो 6 कैंडल रेड हैं ये क्यों आई? ये इस वजह से आई क्योंकि बजट के बाद आपने 5 ग्रीन कैंडल बनाई थी बड़ी वाली, तो इन्होंने कहा चलो बनाओ। ये देखिएगा ये कैंडल तो थी मिस्टर इंडिया की, इसके बाद इन्होंने खींच दी मार्केट, बोलते हम खींचते हैं अब, और ऊपर खींच के मार्केट देखिएगा अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के मार्केट को नीचे ले आए। ठीक है जी, यही स्मार्ट प्लेयर करते हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 कैंडल आपको और नीचे की मिल सकती हैं। और ये देखिएगा 34,000 के आसपास कल भी हो सकता है मार्केट को ले जाएं, 34,400 के आसपास तक कल मार्केट को घुमा के लेके जाया जाए, कि 34,400 34,300 एक ऐसा बेस है जहां पर कि मार्केट को घुमाया जा सकता है नीचे की तरफ। और एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है कि मार्केट को यहाँ तक, ये जो लेवल है जो 32,800 और 33,000 के बीच में है, यहाँ तक भी मार्केट को टेस्ट कराया जा सकता है। पर कल का दिन जो है काफ़ी क्रूशियल है कि अगर कल सेलिंग कितनी आती है, कम आती है ज़्यादा आती है, ये देखने वाली बात है। अब आप सोच रहे हो कि सर बाइंग की क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए कि बाइंग में आज पुल बैक करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और मार्केट इतनी बड़ी रैली करके आई है तो बायर्स तो पहले ही पैक हैं, उनके पास तो पूरा माल पहले ही पड़ा हुआ है। तो अब जब जो स्मार्ट प्लेयर है वो जब ऊपर से माल छोड़ेंगे तो वो पैसा ही नहीं छोड़ा उन शेयर्स के लिए, तो वो आपको देखने के लिए भी मिला जब आज ऊपर से माल छोड़ा जा रहा था, और स्पेशली FIIs की जो दिग्गज शेयर्स हैं उनके अंदर माल छोड़ा जा रहा था, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक जो है प्रमुख है, ICICI एक्सिस बैंक में भी गिरावट थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बंधन बैंक में भी। और देखिएगा बंधन बैंक को तो कभी भी 300 रुपये टच कर देंगे, ये 299 290 299 के आसपास अच्छी सपोर्ट है, कभी भी एक ही दिन में पटक देंगे। इंडसइंड बैंक देखिएगा ऐसा शेयर है, अभी 1048 में मजबूत था आज काफ़ी, इसको जब गिरने पे आएंगे तो 200 रुपये तो तभी गिर देंगे, लोग पहले ही डरे हुए इसमें, क्योंकि जिन्होंने तो 250 रुपये के भाव देखे हुए हैं मार्च में वो तो ये कहेंगे यार इंडसइंड बैंक कहीं गिर ना जाए। तो इंडसइंड बैंक के अंदर तो जिस दिन वो चाहेंगे बड़े प्लेयर्स उठा के वॉल्यूम के साथ इसको ऊपर से ऑफलोड कर देंगे। ICICI बैंक को इतना आसान नहीं होता, ये मजबूत रहता है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, SBI के साथ भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा FIIs एक्सिस बैंक को और SBI को कभी भी उड़ा देते हैं। इनके अंदर इस तरीके की पोजीशंस होती हैं कि एक्टिव ट्रेडर्स हैं, SBI के अंदर और एक्सिस बैंक के अंदर बहुत एक्टिव ट्रेडर्स रहते हैं, हालांकि ICICI बैंक में भी काफ़ी एक्टिव ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा कि वो ट्रेडर्स को पोजिशन किस तरीके से बनवा रखी है। हालांकि देखिएगा मुझे अभी पर्सनली मंदी लग रही है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन जो अभी डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास मैं उसके हिसाब से आपके साथ बात करूँ। ये देखिएगा जी अगला डेटा आ गया, FIIs ने आज 1,569 करोड़ की सेलिंग कर दी। आपने देखा है कि FIIs इतनी बड़ी सेलिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे थे, पूरे महीने की बाइंग देखिएगा 21,412 की, अभी बेचना शुरू किया इन्होंने। तो DIIs ने कितने दिनों बाद जो है इतनी बाइंग की, रोज सेल कर रहे थे 1,000 करोड़ से ऊपर, आज 216 करोड़ की। क्या खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा। तो DIIs भी अभी नहीं खरीदेंगे, उनको भी पता है मार्केट ऊपर है, तो अगर FIIs ने अगर ऊपर से माल ऑफलोड कर दिया तो DIIs तो देखिएगा इतने हायर प्राइस पे लेने वाले नहीं है। इंडेक्स के अंदर देखिएगा, इंडेक्स में भी सेल करके चले गए, और इंडेक्स में देखिएगा पूरे महीने की सेलिंग है 67.12, तो अभी ये भी इनको कवर करनी है। और ये बाइंग हो रही है, ये बाइंग ही पर बाइंग हो रही है ऑप्शंस में। अब ये बाइंग पुट ऑप्शन कर रहे हैं या कॉल ऑप्शन कर रहे हैं? लग तो ऐसा रहा है पुट ऑप्शंस खरीद कर रखी है इन्होंने खरीदे, और अभी इसमें और भी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा इस पॉइंट को देखिएगा, स्टॉक फ्यूचर पूरे महीने में 1,032 करोड़ के बेच रखे हैं, तो इसलिए अभी जो है धीरे धीरे करके उनको खरीद रहे हैं, अभी भी 1,032 के शॉर्ट चल रहे हैं। तो जब अगर 1,032 के शॉर्ट चल रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अगर ये कवर होने आएंगे तो वो कब आएंगे? जब मार्केट नीचे आएगी तभी तो कवर करेंगे उनको, तो जब ये प्रॉफिट में आएंगे तो अल्टीमेटली इस वजह से भी मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे घेरा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आज चला कौन? टाटा स्टील। देखिएगा मेटल्स में सब जगह तेजी थी, अब तो मेटल्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें होने लगी हैं, एल्युमिनियम भी है, जिंक है, कॉपर है, हिंद कॉपर का शेयर भी अच्छा चल रहा था, टाटा स्टील, ये सब तरीके के जो शेयर्स हैं ये सब के अंदर तेजी थी। तो टाटा स्टील 7%, टाटा मोटर्स 6%, हिंडालको 5.73। तो मोटर्स भी चल गई, स्टील भी चल गया, एल्युमिनियम या बाकी मेटल्स भी चल गए, ONGC 5.64, UPL देखिए कि इस पर खबर थी कि इसके किसी प्लांट में आग वगैरह लग गई है, लोगों ने शॉर्ट बना दिए, इन्होंने इसको ऊपर खींच दिया। तो इसके अलावा देखिए कि भारत पेट्रोलियम काफ़ी टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा था, तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस शायद इस पर अभी भी बाय कॉल दे रहे हैं,
और 460 तक के टारगेट दे रहे हैं, बट थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा क्योंकि अगर सभी लोग अगर एक ही तरफ की अगर बात करने लगते हैं तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। L&T देखिएगा 2.6%, इंडसइंड बैंक 2.45, इंडियन ऑयल देखिएगा, ये देखिएगा अगर BPCL चलेगा तो इंडियन ऑयल तो चलना ही है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी तेजी थी, HDFC लाइफ में भी तो लाइफ इंश्योरेंस को जो है पकड़ा हुआ था। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अच्छी तेजी थी 1.67% की। गए कहाँ पे? कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखिएगा जो फाइनेंशियल्स हैं वो दोबारा से वीक होना शुरू हो गए हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक 3.88, अदानी 1.75, मारुति सुजुकी 1.57, डीवीज 11.48, HDFC बैंक 1.16। देखिएगा ये देख 1.16 में भी बहुत बड़ा वेट रखता है, HDFC 0.87। अब देखिएगा जहाँ पे मार्केट बंद हुई है, कुछ लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि एक्युमुलेट कर रहे हैं ये शेयर्स, बुल्स अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं और मार्केट को अगले 2 दिनों में चला सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। कम इसलिए लग रही है कि जिस तरीके से सेलिंग हुई है ना धीरे धीरे करके, अगर बहुत तेजी से सेलिंग होती है ऊपर से अगर माल एकदम छोड़ा जाता है तो बाउंस बैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन माल जिस तरीके से रिसा रिसा के दिया है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि माल को अच्छे से भर दिया है, लो तुम्हें जितना माल खरीदना खरीदो धीरे धीरे, तो जब जिस दिन लास्ट दिन में हम माल बेचने आएंगे तुम खरीद ही नहीं पाओगे ऊपर के रेट पे, और जो फ्यूचर्स या डेरिवेटिव के सौदे हैं उनको वो नीचे के रेट पे कवर कर लेंगे। मुझे ये जो है स्ट्रेटेजी लग रही है जो शायद बड़े प्लेयर्स जो है प्ले कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ भी जो है मार्केट के अंदर अभी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और सारी जो वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हैं, लिक्विडिटी भी आ चुकी है, क्रूड ऑयल ऊपर के प्राइस बना हुआ है। जिस दिन से मैंने आपको बोला कि क्रूड ऑयल का अलर्ट आप ध्यान रखिएगा, तो क्रूड ऑयल भी $65 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, वो भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स ने जो है अपनी पोजीशंस बनाई हैं, उसको देखते हुए अभी जो है मुझे पर्सनली केवल 2 दिन की बात करूँ मैं, ये ऐसा नहीं लंबी बात करूँ, लंबा अगला महीना देखिएगा अगली स्टोरी होगी, लेकिन मैं बात करूँ इस महीने की अंदर जो 2 दिन बचे एक्सपायरी के, तो वहाँ पर शायद अभी मंदी बाकी है। तो कल के बाद जो है परसों का आकलन देखेंगे, कल सारी मंदी खत्म हो जाती है या परसों भी खींचती है थर्सडे को भी, तो या कल कम होती है या थर्सडे को खींचती है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट कुल मिला के अभी मंदी के आसार जो है लग रहे हैं, बड़ा क्लियर व्यू देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, जनरली घुमा फिरा के बात जो है की जाती है, लेकिन मैं आपके साथ स्पष्ट बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ कि मुझे जो लग रहा है, और गलत या सही तो देखिएगा यहाँ पे होना होता ही है कि आप 100 टाइम्स जो है ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस चर्चा के साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज सलाह लीजिए, और टेक्निकल चार्ट्स की और एनालिसिस कीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, अपने रिस्क को असेस कीजिए कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, रिस्क के सामने जो स्टॉप लॉस है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो जो ट्रेडिंग की जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान रखते हुए ही जो है कोई ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरा चैनल आपके ट्रेड से संबंधित किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।